राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान सह दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में अंबेडकर पुस्तकालय नवादा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोविड-19 के बाद देश की पहली बजट 2021-22 पेश किया गया है, जिसमें दलित आदिवासी के लिए क्या कुछ है खास को लेकर विश्लेषण किया गया। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान ने बताया कि देश में कई मुद्दों के साथ बड़ी उथल पुथल में है, जैसे बेरोजगारी का उच्च स्तर, स्वास्थ्य संकट, विकास दर में गिरावट, किसान विरोध प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ते संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह देखते हुए कि यह पूरी आबादी का 25% हिस्सा है, यह समझना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट का उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों को मुख्यधारा में लाना है। दलित आदिवासी बजट विश्लेषण एसी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के बजटीय परिवेश का विश्लेषण है। पासवान ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹659.02 करोड़ की तुलना में असंगठित श्रमिकों के लिए 341.42 करोड़ आवंटित किए गए हैं, 198.06 करोड़ और रुपया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए बढ़कर AWSC के तहत 3,415.62 करोड़, 1,993 करोड़ AWST तहत सरकार ने रुपया आवंटित करने का वादा किया है। योजना में केंद्र सरकार के 60% हिस्से के अगले 6 वर्षों के लिए AACST छात्रों के लिए 35,219 करोड़, हालांकि रुपये आवंटित करने की प्रतिबद्धता SC के लिए 7,000 करोड़ नहीं मिले हैं। राहुल कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा के तहत आवंटन 2 मंत्रालयों के साथ है। पहला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा के लिए कुल आवंटन 3,865 करोड़, जबकि SC के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में यह 3,377 करोड़ रुपये था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती कुमारी, गौतम कुमार, राहुल कुमार, कामेश्वर रविदास, गोपी रविदास, विष्णुदेव पासवान, गुलाब राजवंशी इत्यादि व्हाइट कुंभदेव पासवान राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार मंत्रालय है। कई योजना है जिनमें से हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने संतोषजनक बजट पेश नहीं किया, जिसमें से सबसे पहला है शिक्षा न्याय को लेकर के हम बात करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवंटन बढ़ाकर AWSC के तहत 3,415.62 करोड़ रुपया है और 1,993 करोड़ AWST के तहत सरकार ने रुपये आवंटित करने का वादा किया है। योजना में केंद्र सरकार के 60% हिस्से के अगले 6 वर्षों तक के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 35.219 करोड़ रुपया, हालांकि रुपये का आवंटन करने की प्रतिबद्धता SC ST के लिए 7,000 करोड़ नहीं मिले हैं, जो कम है। दूसरा ये है कि मैनुअल स्कवेंजिंग में एक सदियों पुरानी जाति केंद्रित अभ्यास है, जो अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़े जमा हुए सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय के लिए भी यह मैनुअल स्कवेंजिंग संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17 का घोर उल्लंघन है। इसकी राशि 2020-21 में अवधि के लिए मैनुअल मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए मात्र 110 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। MSJE ने चालू वर्ष के लिए पहले के तरह कोई धनराशि जारी नहीं किया गया। तीसरा, अगर हम नई गाइडलाइन की बात करें तो 41 मंत्रालयों विभागों को विशिष्ट योजनाओं के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए धन जमा करना होगा, लेकिन विश्लेषण में 3 और विभागों को उनके समुदायों के लिए निधि आवंटन के कारण जोड़ा गया है। इनमें से केवल 35 मंत्रालयों ने SC ST को धन और SC ST के लिए 38 मंत्रालयों आवंटित किए हैं। समग्र एयर मार्किंग की गणना अगर CSS केंद्र प्रायोजित योजनाओं और CS मध्य क्षेत्र योजनाओं के कुल आवंटन के खिलाफ की जाती है, लेकिन मंत्रालयों विभागों के कुल बजट के खिलाफ नहीं है। इसलिए उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार इन 41 मंत्रालयों डिपार्टमेंट के SC समुदायों के लिए 330 योजना के तहत कुल 16,112.60 करोड़ रुपये का फंड देना चाहिए, लेकिन SC समुदायों के लिए लक्षित आवंटन केवल रुपया 48,397 करोड़, ST के लिए यह 88,077 करोड़ रुपये माना जाता है, लेकिन लक्षित है 27,830 करोड़ रुपये। SC के लिए 330 कुल योजनाओं में से केवल 52 है लक्षित योजनाएं और 278 गैर लक्षित योजनाएं, जिनकी राशि 48,397 करोड़ है, क्रमशः 77,862 करोड़। इसी तरह कुल 326 कुल योजनाओं में से ST के लिए मात्र 58 लक्षित योजनाएं हैं, जो 268 गैर लक्षित योजनाएं हैं, जिनमें से 27,830 करोड़ रुपये की राशि है, क्रमशः 52,112 करोड़। नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी के बारे में इसने अनुसूचित जाति समुदायों के लिए